तलवारबाजी में मेडल जीत कर आए जहानाबाद के प्रतिभागियों एवं कोच का मखदुमपुर में हुआ जोरदार स्वागत। यहाँ जहानाबाद तलवारबाजी संघ की टीम राज्य स्तरीय तलवारबाजी प्रतियोगिता 2024-25 खेलकर जहानाबाद मखदुमपुर वापस लौटी। मखदुमपुर स्टेशन पर उतरते ही रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा वार्ड संघ अध्यक्ष नगर पंचायत मखदुमपुर, नीरज कुमार वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 15, नीरज कुमार वार्ड पार्षद और ब्रजेश कुमार पूर्व वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 3 एवं खेल प्रेमियों ने सभी खिलाड़ियों को पुष्प माला पहनाकर तथा मुंह मीठा कराकर भव्य स्वागत किया। साथ ही मखदुमपुर की जनता ने भी खुशी जाहिर किया एवं झूम उठे। सभी लोगों ने कहा कि इसी तरह जहानाबाद जिले का नाम रोशन करते रहें, हम आपके साथ हैं। जहानाबाद तलवारबाजी संघ के सचिव अनुशक्ति सिंह ने सभी स्वागतकर्ताओं को आदरपूर्वक धन्यवाद कहा और कहा कि हमारे खिलाड़ियों को इसी तरह प्यार मिलता रहे, खिलाड़ी ऊंचाई चढ़ते रहेंगे। जहानाबाद जिले के खिलाड़ी ने यूथ कैटेगरी में मेडल प्राप्त कर जहानाबाद जिले की टीम ने रनरअप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। जहानाबाद तलवारबाजी टीम के खिलाड़ी ट्रॉफी स्वागत और प्यार पाकर झूम उठे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। हमारी जहानाबाद तलवारबाजी संघ की टीम पिछले 3-4 दिन पहले मोतिहारी को गई हुई थी इस चंपारण, वहाँ राज्य स्तरीय तलवारबाजी प्रतियोगिता 2024-25 का हुआ था। हमारे जहानाबाद के खिलाड़ियों ने खास करके यूथ में अच्छा प्रदर्शन किया, यूथ एक कैटेगरी होता है उसी में अच्छा प्रदर्शन किया और मेडल प्राप्त करके इस बार हमारी जहानाबाद जिले की टीम ने रनर अप ट्रॉफी का हकदार हुआ और ठीक विनर कप में इस चंपारण ट्रॉफी लेके गया और रनर अप में ट्रॉफी जहानाबाद जिले को मिला। बहुत खुशी की बात है और ख़ास बात यह है कि हमारी टीम इस बार जहानाबाद स्टेशन न उतर के मखदुमपुर स्टेशन उतरी और उतरते ही हमारे मखदुमपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा जी ने नीरज कुमार वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 15 के और ब्रजेश कुमार पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 3 के, उन्होंने हमारे खिलाड़ियों को स्टेशन पर पुष्प माला पहनाकर एवं मुंह मीठा करके भव्य स्वागत किया। इससे मेरा भी दिल गदगद हो गया और हमारे खिलाड़ी भी बहुत खुश हुए, खुश होकर काफ़ी झूम उठे और साथ में मखदुमपुर की जनता भी थी। सभी लोगों ने अच्छा प्यार दिया जिससे हमारे खिलाड़ी निरंतर इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और जहानाबाद जिले का नाम रोशन करते रहेंगे।